यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 8वीं रैंक हासिल करने वाले अभिषेक सर्राफ ने बिना किसी कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की, इसका अंदाज़ा आप उनके स्टडी रूम को देखकर ही लगा सकते हैं। उनके स्टडी रूम में आप जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ नोट्स ही नोट्स चस्पा नज़र आएंगे। ये नोट्स ही अभिषेक की सफलता के सूत्र हैं। अभिषेक के मुताबिक इस परीक्षा के लिए कुछ अलग या खास करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो बस नोट्स बनाकर नियमित रूप से और ईमानदारी से पढ़ाई करने की, इसके बाद सफलता मिलना निश्चित है। मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे अभिषेक जब महज 10 माह के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ प्रतिभा सर्राफ ने उन्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। अभिषेक की स्कूली शिक्षा भोपाल में ही हुई। इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। अभिषेक ने बताया कि वो पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को मानते थे कि जब जो पढ़ो उसी पर फोकस करो। इसलिए जब वो किसी सब्जेक्ट को डूब कर पढ़ते थे तो उसके की पॉइंट्स याद रखने के लिए उन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका देते थे। ये तरीका उन्होंने IIT में भी अपनाया और UPSC में भी। UPSC की तैयारी के संदर्भ में उन्होंने बताया कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए पहले उन्होंने पूरे सिलेबस का अध्ययन किया, फिर उसके नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स में से भी शॉर्ट नोट्स बनाकर उनके ज़रूरी पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया ताकि कभी भी हाईलाइट देखकर उन्हें विषय का पूरा संदर्भ याद आ जाए। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2019 में उन्होंने अपने चौथे प्रयास में 8वीं रैंक हासिल की। हालांकि इस परीक्षा की तैयारी के लिए नोट्स बनाने का सिलसिला उन्होंने पहले अटैम्प्ट से ही शुरू कर दिया था। चौथा अटैम्प्ट आते आते उनके स्टडी रूम की चारों तरफ की दीवारें नोट्स से भर चुकी थीं। अभिषेक ने बताया कि इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 चीज़ें खास महत्व रखती हैं। पहला कि आप क्या पढ़ रहे हैं, दूसरा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, और तीसरा और सबसे अहम कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे किस तरह से अपने भीतर उतार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।